हेलो एवरीवन, आई एम राखी फ्रॉम ए विद्यार्थी डॉट इन। और इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगी व्हाट एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक मास नंबर के बारे में, आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में एंड द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स एज वेल। फाइन, सो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 55 पे, चैप्टर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप प्लीज एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, ठीक है। सी, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। सो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूं कार्बन का केस, फॉर एग्जाम्पल क्या लिया मैंने, कार्बन लिया मैंने, तो कार्बन के न्यूक्लियाई के अंदर, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं। कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 6 प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब एटॉमिक नंबर जो होगा कार्बन का, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये बात की मैंने एटॉमिक नंबर की। सेकेंडली अब मैं बात करती हूँ मास नंबर की, मतलब एटॉमिक मास नंबर की। तो मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है। तो मास नंबर क्या हो जाएगा? मास नंबर इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू न्यूक्लियॉन्स, हम इन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, या इनको हम और भी क्या कह सकते हैं, इनको हम और भी क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर क्या बना है? न्यूक्लियस बना है, उसको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं और उसको हम मास नंबर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्बन का ही केस लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक कार्बन केस, तो कार्बन के अंदर, कार्बन जो एक मेरा एटम है उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6p दैट मीन्स प्रोटॉन्स प्लस 6n दैट मीन्स न्यूट्रॉन्स विच इज इक्वल्स टू 12। ये 12 क्या हो गए? न्यूक्लियॉन्स कहिए इनको या न्यूक्लियस कहिए, ठीक है। तो दीज आर 12 न्यूक्लियॉन्स, या मैं इसे क्या कहूं, नंबर, मास नंबर। तो कार्बन का जो मास नंबर है वो क्या हो गया एटॉमिक मास नंबर कार्बन का? इट इज 12, 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। ओके, अब आप बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स देखिए, एक एटम है या कहिए एटम्स, ठीक है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स किसके? सेम एलिमेंट के। एक एलिमेंट सपोज किया मैंने लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, दैट मींस एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम है, एटम्स, ठीक है। सो उस सेम एलिमेंट के एटम्स की बात करी जाएगी आइसोटोप्स के अंदर। सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। मैंने एग्जांपल किसका लिया? हाइड्रोजन का। तो मैं किसकी बात कर रही हूं अभी? आइसो
टोप्स की बात कर रही हूँ। देखिए मैंने हाइड्रोजन लिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या ले रही हूँ, हाइड्रोजन ले रही हूँ, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके एटम्स एटम्स सेम है, ठीक है। तो ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। तो यहां नीचे सबस्क्रिप्ट में हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और सुपरस्क्रिप्ट में हम एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं। तो ये हो गया प्रोटियम, ये हो गया ड्यूटेरियम और ये हो गया ट्रिटियम। तो ये आइसोटोप्स हैं किसके, हाइड्रोजन के। दीज आर दी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर्स देखिए आप, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या है, ये डिफरेंट है। सो दीज आर आइसोटोप्स। बात करते हैं आइसोबार्स की। नाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अब यहां पर एटम्स किसके हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास नंबर सेम होगा, ठीक है। आइसोबार्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास नंबर। बात हो गई क्लियर। एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ, एग्जाम्पल सपोज कीजिए कैल्शियम का और आर्गन का, आर्गन के और कैल्शियम की बात करें तो इनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, लेकिन इन दोनों के जो मास नंबर है वो है 40। तो एटॉमिक मास नंबर ऑफ बोथ कैल्शियम एंड आर्गन इज 40 लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है वो डिफरेंट है, 20 एंड 18, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, गिव एनी टू यूजेस ऑफ आइसोटोप। वेरी सिंपल, आइसोटोप ऑफ आयोडीन, इस बात को आप लिख लीजिएगा, मैं ब्लैकबोर्ड पे नहीं लिख रही हूं, ठीक है। सो आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, ठीक है। एंड सेकेंड जो यूज है आइसोटोप का, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यूरेनियम का जो आइसोटोप है वो उसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, और जो आइसोटोप है आयोडीन का उसको हम यूज करते हैं फॉर ट्रीटिंग गोइटर, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड इट्स नाउ टाइम टू से यू ऑल नाउ, गुड बाय।